Good morning, good afternoon, good evening. Theories of press or media, mass communication में हम समझ रहे हैं. We have seen various theories. आज हम बात करेंगे libertarian और free press theory के बारे में. क्या है ये libertarian और free press theory basically? It is a total contrast of the authoritarian theory, जिसमें press और media किसी authority के under आते हैं. This theory actually informs us that press and media is free. It is not bound by any power, or the news or whatever things are said are not to be gone ahead and rigidly censored by anyone. Public ko satya janne ka mauka milna chahiye, dosto. It all started in 17th century Europe, England ki baat kare main to. Hota ye hai ki वहाँ पे जब प्रिंटिंग प्रेस का एडवेंट हुआ था, गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, मार्को पोलो चाइना से प्रिंट लेके टेक्निक लेके गए थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस बनी थी और वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप में प्रिंटिंग निकल रही थी, तब शॉर्ट बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, पैम्पलेट्स एंड ब्रोशर्स छपने का दौर शुरू हुआ था. प्रिंटिंग प्रेस लोगों के पास आई थी, जल्दी से सारी चीज़ें प्रिंट होती थी. 17th सेंचुरी के अराउंड देखा यह गया था कि पूरे यूरोप में पेनी बुक्स, जिन्हें पेनी चैप्स कहा जाता था, लोगों को वो गांव गांव घूम के छोटे छोटे कस्बों में जाके एक पेनी में किताबें बेचा करते थे. अब ये किताबें कोई सी भी सेंसेशनल न्यूज़ लेके जाती थी, इनके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते थे जो कि अक्सर सोसाइटी से डिबेट थे. They had issues of violence, they had issues of sex, they had issues of women, they had issues of stories, political uprising, किसी के खिलाफ कुछ बोलना है, वो सब चीज़ें चलती थी. सेंसरशिप काफ़ी बाद में आई थी क्योंकि ये चीज़ें तब शुरू हो चुकी थी. अब धीरे से ये बेस क्या था इसका कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, ही इज़ फ्री टू एक्सप्रेस थिंग्स. फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट होता है लोगों का. उस चीज़ को लेके इस थ्योरी को इम्प्लीकेट किया गया था, दैट यस वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आर थिंग्स. हम बहुत अच्छे से अपने किसी के भी खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, भले ही वो डेरोगेटरी टर्म्स में हो, एक्सप्लॉयटेशन हो या हेट स्पीच हो, यू कैन डू दैट. अब ये चीज़ जो थी, पॉजिटिव वे में अगर देखी जाए तो एक इंसान को अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात बोलने का पूरा हक है. अगर हम देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन दिस वेरी फैक्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग इज सुप्रीम. दैट मींस एन इंडिविजुअल इज सुप्रीम, ही हैज़ टू गो अहेड एंड हैव दिस पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिव, राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी, राइट टू अर्न जॉब और अर्न मनी, एंड देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट ही इज फीलिंग, ये बोलने का पूरा पूरा हक उसे होता है. ये कहा गया था. इसको अगर हम देखें तो वॉक्स पॉपुला है, मतलब जनता की आवाज़. हम भारत में अगर देखें, वॉक्स पॉपुला है इज जनता की आवाज़, दैट इज वॉइस ऑफ द पीपल, इट इज़ अबाव एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से ऊपर है. एंड इसके बहुत अच्छे प्रोटैगनिस्ट रहे हैं, इसको प्रोपोगेट करने वाले जॉन मिल्टन, काफ़ी अच्छे पोएट हैं, उन्होंने काफ़ी बुक लिखी. एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी एक बुक थी बेसिकली ला लिबर्टीन, एंड एग्जैक्टली दैट वॉज समथिंग, ला लिबर्टीन सम बुक वॉज देयर दैट ही हैड रिटन, जिसके अंदर एक ऐसे था जिसके अंदर अथॉरिटेटिव थ्योरी को काफ़ी हद तक निकारा था. एक फ्री प्रेस, एक इंडिविजुअल की आवाज़ जो होती है, एक इंसान की आवाज़ होती है, उसको सबसे ज़्यादा कहा गया था दैट प्राइम होती है. अब ये सारी चीज़ें बताती है कि एक ह्यूमन बीइंग के पास पावर है, एक आम आदमी की आवाज़ सबसे स्ट्रांग है. लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है दोस्तों, हर आम आदमी एक प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप नहीं कर पाता. उसके अंदर जितना कॉस्ट इफेक्टिविटी होती है, जितनी कॉस्टिंग रहती है, वो उसको अच्छे से बेयर नहीं कर पाता है. हर किसी के बस की बात नहीं होती है. तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके पास गया? इट डायरेक्टली गिव्स पावर्स टू मीडिया हाउसेस और द रिच पीपल. उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक यहाँ इनकलकेट हो गया है दोस्तों. वी कैन सी कि नाउ पावर विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक सिचुएशन बन गई है. इट इज़ वेरी वेरी सैड माई फ्रेंड्स. पावर विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि अब
आपको समाज के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपके पास में प्रिंटिंग पावर है, यू कैन प्रिंट, यू कैन शो वट एवर यू वॉन्ट एज पर योर एस्पिरेशंस, एज पर योर नीड्स. काफ़ी गलत यूजेस भी होते हैं इसके, यू आर अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, आई वुडंट बी एक्सप्लेनिंग इट आउट हियर, बट काफ़ी यू नो चीज़ें आ जाती है. तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग एडवेंट जो हुआ था फ्री प्रेस थ्योरी का, इट वॉज फॉर द benefit of a common man, but somehow it is right now stagnant between the power of the media houses and the rich. Although there are certain, I'm not saying ki, you know, talab ki sabhi machliyan kharab hai, there are certain, you know, media houses that actually are doing some very good work and it is commendable. We won't be going ahead and lucratively speaking their names, but yes, they have been doing their job in a real good manner, so that is commendable. But still, aapko meko pros and cons dono batane the, so I'll be going ahead and informing you about both of them. Aasha karta hu now you get the free press theory. Still, if there are any doubts, niche comment box se comment hai, aap comment kar sakte hain, and you can always go ahead and contact us for one-on-one online classes, since we have started doing that successfully by contacting it as at the numbers given below. I'll see you soon. Take care. Bye-bye.